अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली हसीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके लिए लिख रहे हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, बिजी लोगों के लिए, वर्किंग वुमेन वुमेन्स के लिए, और लेजी पीपल, स्पेशल लेजी पीपल के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, फजूल कामों में वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें खाने पकाने के में ना बहुत दुश्वारी हो, मसला हो रहा है, तो उनके लिए मैं बहुत ही एक अच्छी रेसिपी लेकर आएंगे। बेसिकली यूरोपियन कंट्री की रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है, इसे आप ज़रूर बनाएं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है, तो हमें चाहिए, मैंने दो आलू लेके उसे छील कर पील करके इस तरह छोटे छोटे काट लिए। मैं बना रहा हूँ स्पेनिश ऑमलेट, जो ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें कोई आगे पीछे की चीज़ मैंने नहीं डाली, जैसे स्पेन में बनता है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, और ये बहुत ही खाने में मज़ेदार और टेस्टी होगा। एक अंडा चाहिए हमें, साल्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, और मैंने 1/4 ही मैंने काली मिर्च लिए फ्रेश कूटी हुई है मैंने, इसे आप बारीक पीस लें या कूट लें, लेकिन कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे फ्लेवर इसका अच्छा आएगा। और हमें जो वेजिटेबल ऑयल चाहिए, सबसे पहले हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है, एक कप तेल के अंदर। जैसे ये फ्राई होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। चलो दोस्तों इसे शुरू करते हैं। दोस्तों स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप ऑयल डालकर कढ़ाई के अंदर रख लिया है, और मैं सबसे पहले आलू को फ्राई करूँगा, तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेंगे। दोस्तों इसे आपने लाइट गोल्डन रखना है, जैसे हम चिप्स को फ्राई करते हैं। चलें जैसे ही होते फिर मैं आगे आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। लें जी दोस्तों, मैंने चिप्स को फ्राई कर लिए आलूओं को, ठीक है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए। चलें वैसे ये दरमियाने हो गए, अब आपने क्या करना है, काली मिर्च नमक को अंडे में मिला दें, इसे अच्छे तरीके से फेंट लें। और ये इसमें शाम कर आलूओं को। दोस्तों इसमें ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप वन टी स्पून के मक्खन के साथ इसे कर लें, तल लें सॉस पैन में, पैन में या स्किलेट में, तवे पे, तो इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। नहीं जी दोस्तों इसे अच्छे तरीके मिक्स कर लिया, अब मैं इसे 1 टी स्पून मक्खन के साथ तवे के ऊपर फ्राई करूँगा। नहीं जी दोस्तों मैंने तवा रख दिया हल्की आंच के ऊपर, हमने इसे बनाना है। 1 टी स्पून के करीब मक्खन डाल रहे हैं, तो ये जो स्पेनिश ऑमलेट का मैंने बैटर बनाया है इसके ऊपर डाल दें इस तरह करके। और दोस्तों इसके साथ ढक दें 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। चलें इसे दोस्तों जैसे ये बनता है फिर हम मैं आपका दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। लें जी दोस्तों इसे 5 मिनट हो गए हैं दम की आग वाली आंच पे, अब इसे हम पलटते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने बहुत ही से एहतियात के साथ पलटना है, अदरवाइज ये टूट जाएगा इस तरह करके। अब मज़ीद हम इसे दम वाली आँच के ऊपर 5 मिनट देंगे। चलें जैसे दोस्तों ये बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों हमारा स्पेनिश ऑमलेट तैयार है और बहुत अच्छा बना है, इसे मैं उतारता हूँ फिर आप सर्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार स्पेनिश अथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी तैयार है। दोस्तों से ज़रूर बनाइएगा, ये नाश्ते के लिए बहुत बेस्ट है, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप इसे एज इट्स एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, एपेटाइज़र भी खा सकते हैं। अगर आप पिकनिक बनाने जा रहे हैं या किसी टूर पर जा रहे हैं तो इसे बना के लेके जाइए साथ, ये आपको बहुत मज़ा देगा और ये बहुत यमी है। मैं आपको खा के भी दिखाता हूँ। वेरी यमी। चलें दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हाँ जी, जाने से पहले मेरी आर्ट एंड ग्राफिक्स का जो चैनल है कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।